वेलकम बैक एवरी वन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही थी और 159 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 160। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला टेस्ट, इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए, बेल आइकन को प्रेस रखना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट हमने बना रखी है और उस प्लेलिस्ट के जो लिंक है इस टेस्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा और क्लिक करके वहाँ से आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 160 तक पहुँच सकते हो। सबको रिवीजन कर लेना, इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस आयोग का संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 से है और इस आयोग में एक होता है अध्यक्ष, एक होता है उपाध्यक्ष और तीन होते हैं पूर्णकालिक सदस्य। बताइए कौन सा सही है इन दोनों में से। देखिए, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति है, मतलब जो एससी कमीशन है, जो एससी कमीशन है वो है 338 में और जो एसटी कमीशन है ना वो 338 ए में है, 338 ए में है। तो गलत हो गया पहला, और बाकी दूसरा करेक्ट है क्योंकि अनुसूचित जनजाति आयोग में एसटी कमीशन में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और तीन होते हैं पूर्णकालिक सदस्य। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन की स्थापना जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करके और संविधान 89वां संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 ए सम्मिलित करके की गई थी। यानी जो 338 में है वो एससी कमीशन है और 338 के ए में है एसटी कमीशन, इसने पहला है गलत। और इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। इन तीन पूर्णकालिक सदस्यों में एक महिला सदस्य सहित शामिल होते हैं 2, एक कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और एनसीएसटी के सदस्यों का कार्यकाल और पदभार ग्रहण करने की तिथि से कितना होता है, लेकर 3 वर्ष तक का होता है। और इस आयोग के अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री तथा उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, जबकि अन्य सदस्यों को भारत सरकार के सचिव पद का दर्जा प्राप्त है। ये एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर इस एक एक लाइन को उठा के प्रश्न बनाता है कि केवल एक सही, केवल 2 सही, इस तरह से। तो सबको पढ़ लीजिएगा एक बार पॉज मार के। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक विश्व को वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है और अक्टूबर 2019 में प्रकाशित इस रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। और यह प्रश्न तो सीधा सीधा पूछा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है, 2014 में पूछा था शायद यूपीएससी सिविल सेवा प्रीलिम्स में। और बिल्कुल अभी हाल ही में भारत जो है विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और उसने किसको पीछे छोड़ा है, फ्रांस को पीछे छोड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। हाँ सॉरी, बहुत त्रुटि हो गई है, द्वंद हो गया है। यह प्रश्न 2014 में पूछा हुआ है यूपीएससी सिविल सेवा ने, लेकिन इसका उत्तर विश्व बैंक नहीं है, इसका उत्तर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका उत्तर है। तो पहला गलत हो जाएगा, तीव्र गति के चलने के चक्कर में द्वंद हो जाता अभी। तो केवल दूसरा यहाँ पर सही है, भारत ने अभी 5वीं अर्थव्यवस्था बना है इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार जो निकालती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो अब इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। और फ्रांस को पीछे छोड़कर भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। पहले स्थान पर यूएसए है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे पर है जापान, चौथे पर जर्मनी, पांचवें आ गया है भारत। तो देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए पहला सही नहीं है। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के अक्टूबर 2019 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तीसरा प्रश्न है, जूनोटिक रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जूनोटिक रोग पशुओं से मनुष्य में फैलने वाली बीमारियों को जूनोटिक रोग कहा जाता है और प्रतिवर्ष 6 जुलाई को विश्व जूनोटिक दिवस मनाया जाता है। क्या करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, पशुओं से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी को जूनोटिक रोग कहा जाता है। विशेषज्ञ क्या कहते हैं, इसे जूनोटिक मतलब जीव जंतुओं से मनुष्य में फैलने वाला संक्रमण का नाम देते हैं।
और प्रतिवर्ष 6 जुलाई को कब? 6 जुलाई को इन रोगों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विश्व जूनोटिक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय विधि आयोग के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग वर्ष 1955 में भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल एम सी सीतलवाड़ की अध्यक्षता में गठित किया गया था। कब? 1955 में एम सी सीतलवाड़ की अध्यक्षता में। 21वें विधि आयोग का जो कार्यकाल है वो 31 अक्टूबर 2018 को 3 वर्ष का पूरा हो चुका है और यह एक वैधानिक निकाय है भारत का विधि आयोग। देखिए पहला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग जो है वो वर्ष 1955 में एम सी सीतलवाड़ की अध्यक्षता में गठित किया गया। दूसरा भी करेक्ट है, जो 21वां विधि आयोग था उसका कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को समाप्त हो गया है 3 वर्ष का। लेकिन देखिए भारत का जो विधि आयोग है वो ना तो संवैधानिक निकाय है ना ही वैधानिक निकाय है, तो गलत है तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर। जहाँ जहाँ 3 है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, ये तो सरकार के आदेश पर बनाया गया था ना, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, तीसरा नहीं होगा। तो देखिए 21वें विधि आयोग जिसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी एस चौहान द्वारा की गई 31 अगस्त 2018 को अपना 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुका था और भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग जो है वर्ष 1955 में भारत के तत्कालीन का मतलब उस समय के अटॉर्नी जनरल एम सी सीतलवाड़ की अध्यक्षता में इसको गठित किया था। तब से 21 विधि आयोग गठित किए जा चुके हैं जिनमें से प्रत्येक का कार्यकाल 3 वर्ष का था। तो पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा है गलत। क्यों गलत है? क्योंकि भारत का विधि आयोग ना तो संवैधानिक है, मतलब ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, और ना ही ये वैधानिक निकाय है, और यह भारत सरकार के आदेश से गठित एक क्या है? कार्यकारी निकाय है। यह प्रमुख रूप से कानूनी सुधारों हेतु कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, थंबनेल पर देखा होगा प्रश्न आपने ये वाला, ब्राजीलिया घोषणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है ब्राजीलिया घोषणा? खाद्यान्न निर्यात से है क्या? नहीं। महिलाओं की सुरक्षा से भी नहीं है। जलवायु परिवर्तन से भी नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा सड़क सुरक्षा से है ब्राजीलिया घोषणा। इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। तो देखिए ब्राज़ील सरकार ने राजधानी ब्राजीलिया में 18 से 19 नवंबर 2015 को दूसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सड़क सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया और इसका सह प्रायोजक विश्व स्वास्थ्य संगठन था। इस सम्मेलन में 2200 प्रतिनिधि ने भाग लिया था और सम्मेलन के अंत में सड़क सुरक्षा पर ब्राजीलिया घोषणा ब्राजीलिया डिक्लेरेशन को अपनाते हुए सभी ने अपने देशों में एक दशक से सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या को आधा करने का संकल्प लिया था। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। अब इन प्रश्नों ये प्रश्न देखिए 1 साल या 1.5 साल की करंट अफेयर्स के मोहताज नहीं होते, यूपीएससी इनको पूछ ही लेती है, भले ये 2015 में ऐसा इन्होंने प्रण लिया हो, लेकिन ये प्रश्न जो हैं आज भी यंग हैं और कभी भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा डीप नहीं घुस के पूछेगा, बस इतना पूछेगा किससे संबंधित है, तो सड़क सुरक्षा से संबंधित है ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस एथनोलॉग के संदर्भ में कौन सा सही है? हाल ही में वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस एथनोलॉग का 22वां संस्करण जारी किया गया। एथनोलॉग के अनुसार हिंदी जो है विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। तीसरी हो गई है तो बहुत बड़ी बात हो गई है। एथनोलॉग के मुताबिक फ्रेंच विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। इनमें कौन सा सही है बताइए? देखिए इसमें सही हो जाएगा, हाल ही में जो है वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस एथनोलॉग का 22वां संस्करण जो है वो जारी किया गया, ये करेक्ट हो जाएगा। और एथनोलॉग के अनुसार जो हिंदी है वो विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और एथनोलॉग के मुताबिक अंग्रेजी विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है ना कि फ्रेंच, तो गलत हो जाएगा तीसरा। हमको सही खोजना है, तो पहला भी करेक्ट है दूसरा भी करेक्ट है, तो ए और बी सी डी हो जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए हाल ही में वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस एथनोलॉग का 22वां संस्करण जो है वो जारी किया गया। ये संस्करण क्या कहता है? इसके अनुसार हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और विश्व में लगभग 615 मिलियन लोग हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। एथनोलॉग के मुताबिक अंग्रेजी जो है वो विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, इसलिए अंग्रेजी की जो है उपलब्धता
अधिक है, इसलिए सबको आनी चाहिए, प्रैक्टिस करते रहो। यूपीएससी सिविल सेवा में भी पूछी जाती है, अंग्रेजी के बिना जो है आपकी कॉपी चेक नहीं होंगी अगर आप फेल हो गए तो। उसी उतनी ही अहमियत यूपीएससी सिविल सेवा में हिंदी या और दूसरी लैंग्वेज की है जितनी अंग्रेज़ी की है, क्योंकि अगर आप अंग्रेज़ी में पास नहीं हुए तब भी आपकी कॉपी चेक नहीं होंगी। अगर आप जो भी आपने दूसरा सब्जेक्ट लिया कंपलसरी हिंदी लिया हो या कोई और दूसरी लैंग्वेज लिया हो उसमें भी नहीं होंगे तब भी आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। इसलिए जो यूपीएससी में दो कंपलसरी सब्जेक्ट है ना हिंदी और इंग्लिश के, उनकी भी प्रैक्टिस करते ना, क्योंकि सब लिखने वाला मुख्य परीक्षा में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा, इसमें और क्या है। विश्व के लगभग 1132 मिलियन लोग जो है वो अंग्रेज़ी भाषा का उपयोग करते हैं, जबकि मंडारिन जो है चीन की वो विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है और विश्व के 1117 मिलियन लोग इसका प्रयोग करते हैं। इस डेटाबेस के अनुसार जो बंगला है, बंगला बंगला भाषा, बंगला जो है वो विश्व की सातवीं अधिक बोले जाने वाली भाषा है और 228 मिलियन लोग बंगला भाषा बोलते हैं। एथनोलॉग दुनिया की जीवित भाषाओं का एक वार्षिक डेटाबेस है जिसकी स्थापना वर्ष 1951 में की गई थी। वर्तमान में इस डेटाबेस के अंतर्गत दुनिया की 7,111 जीवित भाषाएं शामिल हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है यूपीएससी सिविल सेवा के लिए भी और जो उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा होने वाली है आने वाले समय में जून महीने में, उसमें भी। सातवां प्रश्न है, अशरफ गनी को भारत के किस पड़ोसी देश का दूसरी बार राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? यही है अशरफ गनी, ये अभी फिर से राष्ट्रपति बने हैं। भारत के किस पड़ोसी देश का बने हैं? भूटान के नहीं है, बांग्लादेश के नहीं है, पाकिस्तान के भी नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में लगभग 5 महीने पहले राष्ट्रपति पद के लिए हुए मतदान के बाद वहाँ के चुनाव आयोग ने अशरफ गनी को वर्ष 2019 के राष्ट्रपति चुनाव में विजय घोषित किया। चुनाव आयोग के अनुसार चुनावों में डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। चुनाव आयोग के प्रमुख हवा आलम नूरिस्तानी ने कहा कि अशरफ गनी को 50.64% मत प्राप्त हुए। अशरफ गनी के प्रतिद्वंद्वी डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि मतदान में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई हैं, इसलिए वे इन नतीजों को स्वीकार नहीं करेंगे। राष्ट्रपति पद के लिए अफगानिस्तान में पिछले वर्ष 18 सितंबर को मतदान हुआ था। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि कौन सा सही होगा इनमें। रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान कर दिया गया है। मनोहर पर्रिकर 9 मार्च 2014 से 14 मार्च 2017 तक रक्षा मंत्री रहे थे। बताइए करेक्ट है या इनकरेक्ट है? देखिए करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो केंद्र सरकार के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की प्रतिबद्धता और विरासत के सम्मान में सरकारी थिंक टैंक रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस का नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान कर दिया गया है। आपको ज्ञात हो कि मनोहर पर्रिकर 9 मार्च 2014 से 14 मार्च 2017 तक रक्षा मंत्री रहे थे। बीते 17 मार्च को कैंसर के कारण उनका निधन हो गया। वह भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आईआईटी से ग्रेजुएशन किया था, स्नातक किया था। मनोहर पर्रिकर ने वर्ष 1978 में आईआईटी बॉम्बे से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में स्नातक इन्होंने किया था। मेटलर्जिकल। चलिए भाई नवा प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2019 के अनुसार विश्व की इन अर्थव्यवस्थाओं को घटते हुए क्रम में लगाइए। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो कौन जारी करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जारी करता है। अलग से पूछा जा सकता है प्रश्न। अब इन भारत सॉरी विश्व की बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएँ हैं इनको अधिक से कम घटते हुए क्रम में लगाना है। जो सबसे बड़ी है इस समय वो सबसे पहले आएगी। तो देखिए भारत जो आपको पता हो अभी भारत 5वें स्थान पर पहुंचा है फ्रांस को पीछे करके। तो पहले स्थान पर है कौन सा? यूएसए। और दूसरे स्थान पर है इसमें चीन। और तीसरा स्थान है इसमें जापान का। चौथा स्थान है इसमें जर्मनी का। और 5वें पर भारत। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए ये है इसका आंकड़ा 2019 के अनुसार। रिपोर्ट कहती है इंटरनेशनल
मॉनेटरी फंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अक्टूबर 2019 प्रथम स्थान पर सबसे ऊपर है यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर है जापान, चौथे पर है जर्मनी, पांचवे पर है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम, फिर उसके बाद ब्रिटेन, सॉरी फ्रांस, इटली, ब्राज़ील और कनाडा। अच्छा, ये भारत जो है वो यूनाइटेड किंगडम को पीछे करके मतलब ऊपर आया है ना, फ्रांस तो पहले ही से पीछे है देखा जाए तो हल्का सा देखिए संशोधित कर लीजिए जो पीछे एक्सप्लेनेशन में बोल दिया हो, तो भारत ब्रिटेन को पीछे करके जो है पांचवें स्थान पर पहुंचा है, ना कि फ्रांस को, क्योंकि फ्रांस तो एक नंबर और पीछे ही है ना उससे। फ़िलहाल इसका क्रम याद रखिए आप लोग, यूनाइटेड स्टेट्स पहले नंबर पर है और चाइना दूसरे पर है, जापान तीसरे पर, जर्मनी चौथे पर और पाँचवें पर है इंडिया, छठे पर है यूनाइटेड किंगडम और सातवें पर है अफगानिस्तान, आठवें पर है इटली, नवें पर है ब्राज़ील और दसवें पर है कनाडा। इम्पोर्टेंट है शुरू के पाँच, वैसे तो तीन इम्पोर्टेंट होते हैं लेकिन पाँच इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि भारत पाँचवें पायदान पर है, ब्रिटेन को हरा कर पहुँचा है। चलिए 9 प्रश्न कंप्लीट, अब देखते हैं 10वां प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन से गोरैया की संख्या की कमी के प्रमुख कारण है, कौन से कारण हैं गोरैया की संख्या में कमी के? निवास स्थान की क्षति, विषाक्त पदार्थों की व्यापक उपस्थिति और मोबाइल फोन टावर्स के रेडिएशन। अब देखिए इस तरह के प्रश्न अधिकतर सारे सही हो जाते हैं लेकिन कभी कभी इसमें हल्की सी त्रुटि हो जाती है। यहाँ पूछा क्या हो पर देखो कमी के प्रमुख कारण हैं, अगर यहाँ प्रमुख ना लगाकर केवल कारण पूछता तो शायद इसमें सारे सही हो जाते, लेकिन यहाँ प्रमुख लगा दिया है तो पहला और दूसरा करेक्ट हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि ये प्रमुख नहीं, ये संभावित कारण है, इसका आंसर हो जाएगा केवल एक और दो। तो देखिए गौरैया की संख्या में कमी के संभावित कारणों में पहले संभावित कारण देख लीजिए, आहार और आवास कोमा मोबाइल फ़ोन टावर्स के रेडिएशन जैसे कारक शामिल है, एक बात तो ये हो गई। हालांकि ऐसा कोई ठोस प्रमाण अभी तक नहीं है जिससे ये साबित हो सकता है कि मोबाइल फ़ोन टावर्स के रेडिएशन का इनकी संख्या पर कोई प्रभाव पड़ता है, भले ही रोबोट 2.0 मूवी बना दी हो लेकिन वो मूवी है, कोई पुख्ता प्रमाण नहीं देती। निवास स्थान की क्षति और विषाक्त पदार्थों की व्यापक उपस्थिति तथा शिकार, ये तीन हो गए, इनकी कमी के प्रमुख कारण बताए गए हैं लेकिन गिरावट के कारणों को इंगित करने के लिए लक्षित अनुसंधान की आवश्यकता है। फिलहाल हमारा उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्योंकि ये दोनों हैं संभावित कारण, सॉरी ये दोनों हैं प्रमुख कारण, प्रमुख पूछा है, ये है एक संभावित कारण, तो थर्ड को एलिमिनेट करके इसका आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए। तो 10 प्रश्न थे, इम्पोर्टेंट थे, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।